अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, नाज टीवी पर खुश आमदी। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की किस्त नंबर 43 बहुत ही शानदार थी और इस किस्त में दिखाए जाने वाले हर एक सीन ने फैंस से दाद भी वसूल की है और इस सीरीज ने अब मुकम्मल तौर पर फैंस को अपना गर्विदा भी बना रखा है। फैंस हर लम्हा बस नई किस्त के इंतजार में है और वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगली किस्त कब आएगी और अगली किस्त में क्या होगा, ग्रेगोर क्या करना चाहता है, गैब्रियल का अगला मंसूबा क्या है, कारा तेगिन कौन सी नई मुश्किलात में फंसने वाला है, सुरैया खतून को अस्कलान से आखिर कौन बचाएगा। ये तमाम सवालात हर किसी के माइंड में गर्दिश कर रहे हैं। तो आइए व्यूअर्स, बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको नए एपिसोड के बारे में बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये सब लोग तो आप पहले ही जानते हैं कि नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन को ढूंढ लिया है। व्यूअर्स, किस्त नंबर 44 में देखेंगे कि अय्यूब सरदार को ये ख्वाब आएगा कि सलाहुद्दीन जिंदा है और इसके बाद ही वो नूरुद्दीन जंगी को बताएगा। खैर, नूरुद्दीन जंगी जो कि सलाहुद्दीन को अपने महल में ले आएगा, सलाहुद्दीन को कारा तेगिन ही बचाएगा, ये बात सलीबी भी जान चुके हैं, इसलिए अब कारा तेगिन भी काफ़ी मुश्किलात में फंसने वाला है। यहाँ तक कि कारा तेगिन पर तो हमला हो चुका है और कारा तेगिन इस हमले से निकल जाएगा, लेकिन कारा तेगिन के कबीले पर हमला होगा जिसमें असमत खतून भी जख्मी हो जाएगी और इसके कबीले में मौजूद तमाम लोग भी काफ़ी जख्मी हो जाएंगे, लेकिन कारा तेगिन वहाँ तक टाइम पर नहीं पहुँच पाएगा और इसके बाद फिर नूरुद्दीन जंगी को भी ये पता चलेगा और नूरुद्दीन जंगी फिर बाद में इसके कबीले में आकर इसकी मदद करेगा और वो देखेगा कि असमत खातून जो के नीचे लेटी होंगी और दूसरे तमाम लोग भी बहुत ज़्यादा जख्मी होंगे, इसके अलावा बहुत से लोग शहीद भी हो जाएंगे। तो बकिया रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।